भाई लोग कैसे एक बार फिर से आ चुका है रेड जैकेट पहन के एवेंजर्स के बिल्डिंग पे, जो कि एवेंजर फर्स्ट मूवी में टूट चुका था, लेकिन बजमी वाला साला फिर से दोबारा बना दिए भोसड़ी के। अबे इनको रिजेक्ट माल लाने की आदत सी हो गई है। और एक और बात भाई, भाई हम तुमको कितनी बार बोले हैं कि किसी मूवी का नाम मत रखा कर यार, वीडियो में उनका प्रमोशन हो जाता है ऐसे ही। अरे भाई वो खुद एक सुपर हिट मूवी है भाई, क्या बात करते हो, क्या मिलियन में व्यू बढ़वा दे रहे हैं उनकी, बताओ। अरे कुछ भी हो लेकिन तुम मूवी वूवी का बात मत करा। अच्छा ठीक है, पर यहाँ देखो ना साला कार 98 वाले बंदे को हम बैलेंस मार देते हैं, बताओ बताओ तो कौन सा बड़ा काम कर दिए हो, कौन सा बोल रहे हो जिसे शॉटगन वाले को मार दिए हो, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई। शॉटगन वाला हमेशा तुमको पेड़ के चला जाता है। अरे गाइस इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, हम शॉटगन वाले से हमेशा सॉरी शॉटगन वाले को हमेशा पेलते हैं आराम से। सच्चाई बार आ रही है ना। अरे अरे कुछ बार नहीं, तू उधर जा। तो भाई इस वीडियो में हम बताएं कि भाई कॉन्करर जो है ना अपना सबसे ईजी किस में मिलेगा, सोलो डुओ स्क्वाड, वो टीपीपी क्या है या एफपीपी का सोलो डुओ स्क्वाड, मतलब दोनों का सबका बताएं कि भाई कॉन्करर मिलता आखिर किसमें है सबसे पहले, किसका पॉइंट सबसे कम होता है, क्योंकि जिसमें पॉइंट कम होता है उसी में सबसे पहले मिलता है। ऐसा नहीं है भाई कि मतलब जिसमें पॉइंट कम होता है उसका बहुत सोलो भी प्लस होता है, तो ऐसा भी मतलब हो सकता है कि उसका पॉइंट कम है, लेकिन हम भाई फिक्स करके बताएं कि भाई मिलेगा किसमें सबसे पहले, मतलब सबसे ईजी कैसे मिल जाएगा। तो भाई उसको कैसे बता सकता है, क्योंकि भाई हर एक सीजन में जितना सबका पॉइंट जाता है उसी को ना देख के बताएंगे हर एक सीजन में किसका कितना पॉइंट जाता है। और उससे पहले भाई यहाँ पे देखिए भाई, मतलब इस वाले मैप में भी तुम लगा लो भाई अच्छा खासा प्लस, तो हम बताइए किए थे। और भाई एक टीममेट को छोड़ दो ना, आप अकेले जाकर फाइट को देखो, यहाँ पे 2 किल हो चुके हैं, हमारा रिकॉल का टाइम भी बचा हुआ है। लेकिन भाई इस वाले मैप में भाई समझ में नहीं आता भाई रिकॉल जा कब रहा है, उसको बताना कमेंट करके भाई रिकॉल जा कहाँ रहा है। अब भाई यहाँ पे मतलब तुम भाई देखो मार कैसे देते, एकदम टीडीएम स्टाइल में जाके मार के कवर में बैठ गए और 1 HP हो गए, मतलब 1 HP पहले से भी थे मार दिए, मतलब बड़ाई करो यार, कितना बड़ाई करे खुद के मुँह से यार, कुछ बोलते नहीं। सारा माता नहीं तुमको तो हम का बड़ाई करे के मुँह से। तुम हट जाओ यार, मतलब अच्छा मारे थे इसलिए। तो भाई चलो पॉइंट देखकर नहीं देखते अपन लोग, तो भाई सोलो का पॉइंट देखते हैं। रॉयल टोपी 2 नंबर पे चल जाए भाई, अपना लौंडा है यार आज, अपना लौंडा है, चलो चलो करने दो उसको। तो अभी चल रहा है 3रा दिन है आज, और कितना 40-36 पॉइंट, मतलब क्राउन 2 तक चल रहा है ये अपना सोलो का पॉइंट। हमको तो लगा था सारा एस चला जाएगा टॉप 100 में, नहीं चल रहा है। चलो भाई सबका पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई सबका मतलब कम पॉइंट किसमें और इजी किसमें मिलेगा। डुओ का पॉइंट अपना क्राउन 1 चल रहा है भाई, डुओ वाले आगे चल रहे हैं इससे भाई। तो भाई चलो डुओ वाला का कितना क्राउन 1 में, मतलब आधा पॉइंट लग गया, मतलब टॉप 100 एस लगी जाएगा। बाप रे ये स्क्वाड वाला सन को ना देख रहे, 44 और 36 में हटाओ हटाओ हटाओ, इनको हम देखना ही नहीं चाहते, बाप रे मतलब करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। और भाई एफपीपी का स्क्वाड देखते हैं, तो एफपीपी का क्राउन 3 चल रहा है, मतलब टीपीपी डुओ से थोड़ा और सोलो से भी कम पॉइंट, मतलब तो ये इजी लगा हमको अभी तक में। तो अभी चलिए एफपीपी का सबका देखते हैं, तब ना देखेंगे भाई सबका पॉइंट किसमें कम है अभी। तो चलिए डुओ का लगाते हैं इसका। तो डुओ का डायमंड 1, अरे भाई तो डायमंड में चल जा रहे अभी, ये तो साला डायमंड 1 में हमारा टीयर है, तो हम रहते हैं साला टॉप 100 में चलते, ये पीपी में डुओ चलना है, पीपी तुमसे खेला कहाँ जाता है। अरे ये भी बात है रे, और भाई प्लसो ना कम मिलता है, अब बुझे इस प्लसो है। और देखो और इसका चल रहा है डायमंड 2, वाह भाई सोलो एफपीपी का। तो भाई अभी तक हमको देखने का मिला कि भाई सोलो एफपीपी सबसे कम पॉइंट है कॉन्करर का, मतलब अभी टॉप 100 का डायमंड 2 चल रहा है भाई। तो भाई ये एकदम बात सही है कि भाई एफपीपी का पॉइंट सबसे कम होता है, वो भी सोलो एफपीपी का सबसे ही कम होता है। पिछले के पिछले सीजन में हम बता दें तुमको कि भाई एस पे ही लास्ट तक एंड तक एस पे ही कॉन्करर मिलता था, लेकिन पिछले सीजन में भाई बहुत सारे बंदे सोलो एफपीपी में खेलने लगे तो एस मास्टर तक गया था, लेकिन भाई सबसे कम पॉइंट इसी का होता है। लेकिन भाई प्लस बहुत कम मिलता है, नहीं तो अभी तक भाई बंदे 500 प्लस करते हैं, जैसे प्लस करके आगे नहीं चले जाते, प्लस हो या ना कम मिलता है। तो भाई हम बताते हैं ईजी किसमें प्लस होगा, तुम क्यों सोलो एफपीपी खेलोगे भाई, एफपीपी में तुम जाओगे एकदम टीपीपी खेलते खेलते एफपीपी में बंदे नहीं लगेगा, ये मतलब खेलना ही नहीं जाता है भाई। अब तुम बोलोगे भाई कोई बात नहीं, हमको कॉन्करर का फ्रेम चाहिए, कॉन्करर चाहिए यार, कैंप करके हम जाएंगे। लेकिन भाई कैंप करके जा रहे हो लास्ट तक और एक बंदे से फाइट लगा, एक बंदे से फाइट नहीं कर पाए एफपीपी के चलते, तो भाई ये गलत बात है यार। तो भाई तुम काम करो भाई, अरे भाई ना वो एफपीपी के हैकर के बारे में नहीं बोलेगा। अरे भाई तो हम भूले गए हैकर, ये बुलेट कैसे लगा यूएमपी का तुम्हारे, यूएमपी ओपी है इसलिए। लेकिन भाई यार कवर में बैठ गए थे यार, कैसे गोली सट गया। खैर भाई यूएमपी ओपी होती जा रही भाई, ये मतलब MG3 वाले बंदे को भाई यूएमपी वाला मार के चला जा रहा भाई, तू ही तो पिटा था ना। अबे भाई उतना सच नहीं बोलना था भाई। खैर गाइस मतलब यूएमपी ओपी होता जा रहा है, क्यों भाई, क्योंकि उसका यूएमपी का SMG का गन है क्या है ना भाई, एम असिस्ट भाई तगड़ा वर्क करता है। तो भाई देख रहे हो हम बैठ गए थे ऊपर से साला पूरा हेड पे शॉट गया गोली, 1 HP हो गया, उसके बाद आके पेल दिया साला, हील करने का टाइम ही नहीं दिया। भाई हम क्या बता रहे थे कि एफपीपी में हैकर बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि भाई उनको कॉन्करर चाहिए तो जल्दी ही मार लो भाई, जल्दी कम पॉइंट पे मिलता है। तो भाई हम बता रहे तुम्हारे लिए भाई, ये तुम भाई डायमंड 1 देख रहे हो ना भाई, डायमंड 1 मत देखो, टीपीपी में बंदे बहुत सारे एस लगा देंगे, एस मास्टर लगा के कॉन्करर ले लेंगे, तब तक इसका एस तक नहीं पहुंच पाएगा, बेस जाएगा तभी ना तुम कॉन्करर लोगे एफपीपी का, इतना सोलो पॉइंट बढ़ता है। तो भाई अभी सबसे आसान है सोलो टीपीपी, आराम से करो, पॉइंट भी ज्यादा नहीं जा रहा है और टीपीपी खेलना है ना। लेकिन भाई कैंपर से बच के कैंपिंग तुम खुद कर डालो यार, और भाई एक टीममेट हो तो भाई डुओ इजी कर सकते हो भाई, क्योंकि उसका भी पॉइंट ज्यादा नहीं जाता डुओ का।